रमेश जन्म 23 जनवरी 1947 हिंदी सिनेमा के एक भारतीय फिल्म निर्देशक, अभिनेता और निर्माता है। उन्हें विशेष रूप से शोले के निर्देशन के लिए जाना जाता है, जिसे अब तक की सबसे प्रभावशाली भारतीय फिल्म में एक से माना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2017 में उन्होंने मुंबई में रमेश सिप्पी अकेडमी ऑफ सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट की स्थापना की। सिप्पी के पिता निर्माता जीपी सिप्पी थे। रमेश सिप्पी की 2 बार शादी हो चुकी है। उनकी वर्तमान पत्नी अभिनेत्री किराना जुनेजा है। उनकी पहली पत्नी गीता से उनके 3 बच्चे हैं। उनके बेटे रोहन सिप्पी एक फिल्म निदेशक है। उनकी बेटी सीना की शादी शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर से हुई थी, जब तक कि 2004 में उनका तलाक नहीं हो गया। रमेश सिप्पी जब 6 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता की पहली फिल्म सजा के सेट पर दौर किया था। उन्हें पहली फिल्म में काम 9 साल की उम्र में मिला, जब उन्होंने 1953 की फिल्म साहसा में अपना आचार्य सचदेव के बेटे की भूमिका निभाई। उन्होंने जोरा महबूद इन गोवा और मेरा सनम जैसी फिल्मों में निर्माण और निर्देशन दोनों विभागों में काम किया, जिसका निर्माण उनके पिता कर रहे थे। उन्होंने 1971 में अंदाज के निदेशक बनने से पहले 7 साल तक सहायक के रूप में काम किया, जिसमें शम्मी कपूर, हेमा मालिनी और राजेश खन्ना ने अभिनय किया था और यश बॉस ऑफिस पर सफल रही थी। उनकी दूसरी फिल्म सीता और गीता, जिसमें हेमा मालिनी ने दोहराई भूमिका निभाई, अत्यधिक सफल रही और मालिनी को सुपरस्टार तक पहुंचाया।